हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को फिर से मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत है। और मेरा ठंडा सर्दी बुखार बुखार तो नहीं था, ठंडा और जो सर्दी नाक जाम हो जाना वो अभी तक नहीं ठीक हुआ है मेरा। तो गाइस, आज है बुधवार और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो मेरा आज सब घर का नहाना धोना सो तो सुबह सब कुछ ख़त्म हो गया, खाना पीना भी खाना भी बना चुकी। और आज मैं अंडा बनाई हूँ, आज है छाड़ खाई त्यौहार जो होता है, कार्तिक पूर्णिमा जो होता है उसके अगले दिन एक छाड़ खाई मनाते हैं, जो एक महीना मांस मछली लहसुन प्याज, और जो मांस मछली नहीं खाते हैं वो लोग अपना सब्जी, बहुत सारे ऐसे होता है फल, मतलब सब्जी में भी एक महीना कौन सा सब्जी खाते हैं कौन सा सब्जी नहीं खाते हैं, एक महीना वो नहीं खाते हैं। तो गाइस अभी टाइम 12:30 हो रहा है और मैं वो बता रही थी कि क्या है छाड़खाई का मतलब। तो उतना में मेरा भात बन गया, मतलब भात पक चुका था तो उसको मैं ये मतलब भात को पसाड़ी। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा कल गुरुवार है ना, तो थोड़ा गोबर लाने के लिए और लिपाई, ये देखो क्या हो जाता है। तो उधर से थोड़ा अगर गोबर लाने जा रही हूँ, कल गुरुवार है ना तो लिपाई उपाई करना है पूजा। और क्या क्या है तो मैं दोस्तों मैं बाद में जब वहाँ से आ जाऊँगी तो विस्तार में आप सबको बताऊँगी। अभी थोड़ा चलो चलते हैं, कहाँ अगर मिलेगा तो फिर लेके आऊँगी जल्दी से, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो गाइस, मैं आ गई गोबर लेके और मेरे को मिला नहीं, थोड़ा सा खाली मिला था, इतना थोड़ा सा मिला, क्या करूँ बता। सुबह सब कोई ले जाता है, अगर सुबह मैं जब जाती हूँ ना पार्क काम करने तो जब भी जाती हूँ तो सुबह ही लेके आती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना, मैं सुबह बाल्टी और कुछ भी लेके नहीं गई थी तो कैसे लाऊँ, फिर फूल वूल भी एक ही बार पानी पीने का सब लेके आती हूँ तो फिर और उसको उठाने का मेरे को जगह नहीं मिला। मैं सोची बाद में जाके ले आऊँगी, अभी गई तो कल सबको ही मतलब एक भी गोबर थोड़ा सा इधर उधर मिला था और वो भी इतना अच्छा नहीं था, फिर भी थोड़ा सा नाम के लिए मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके शाम को मैं लिपाई कर दूंगी। और नाखून उखून भी मेरा बढ़ गया है, आज बुधवार है, बहुत दिन से एक महीना हो गया, एक महीना कितना दिन हो गया शायद नहीं काटी हूँ। तो गाय से नाखून थोड़ा साफ कर लेती हूँ और क्या बनाई हूँ खाने में आज मैं दिखा दूँगी। तो ठीक है, नाखून नखून थोड़ा साफ कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे। अंकल क्या बोला, पैसा से सब अंकल तो आसी नहंती है वो। तो मैं अगले दिन उनके घर गया और उनसे मेरे लौट के आने तक मेरी जमा। तो गाइस अभी 9 कितना सॉरी 1:15 हो रहा है और ये अभी खाना खा रहे हैं और मैं भी थोड़ा खाना खा लेती हूँ। मेरा नाखून सब बड़ा बड़ा हो गया था ना, बहुत दिन से नहीं काटी थी और आज काटती हूँ, अभी काट के आई और मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि शाम को बहुत सारा काम है। अभी मेरा भात है, थोड़ा रात का बच गया था, इसी को खाऊंगी। तो गाइस मैं थोड़ा मैं खाना निकाल लेती हूँ, मेरा तो आप लोग जानते हो सादा सोया बड़ी और रात का दाल और भात भी रात का है, मैं अभी खा लूँगी। ठीक है, तो गाइस मेरा खाना निकाल चुकी हूँ और अभी मैं खा रही हूँ, खा लेने के बाद मैं आप सबसे फिर मिलती हूँ। देखो हम दोनों खाना खा रहे हैं, ये अभी फिर चले जाएंगे, 1 बजे खाना खाने आए हैं और फिर 2 बजे चले जाएंगे, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, खा लेती हूँ। अभी शाम हो चुका है और अभी अभी हो रहा है टाइम शाम का 5 बज रहा है शाम का, और आज है गुरुवार का दिन और कल दिन में मैं खाना उना खा लेने के बाद इतना काम था, कल बुधवार था और आज गुरुवार के लिए पूरा साफ सफाई झाड़ू
पोछा लगाना घर को, फिर ये सब जो कल गोबर लाई थी थोड़ा सा, उससे मैं ये आंगन का साफ सफाई लिपाई की थी कल, और मैं नहीं दिखाई आपको, और रात को भी वीडियो नहीं बनाई, आज दिन में भी और वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी चलो थोड़ा मेरा काम घर का सारा ख़त्म हो चुका है, बर्तन उर्तन सब, आज मैं जल्दी सब सारा काम कर दी और मैं दिखा देती हूँ। चलो मैं थोड़ा कुछ दिखाती हूँ आप सबको। मैं मतलब उधर मैं कभी नहीं जाती हूँ, लेकिन आज आप सबको भी थोड़ा चलो घुमाने ले जाती हूँ, मैं कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। इधर रास्ता है इस शहर का, ये देखो ये है रास्ता, इधर है, इधर और भी घर सब है, और इधर ऐसे है। तो गाइस ये देखो, यहाँ सब चले गए, इधर भी घर है, कोई है कि नहीं, सब चले गए काम पे, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक जगह है, दूसरा घर कोई बनाएगा, इधर एक घर बनेगा, फिर यहाँ पे दूसरा किसी और का घर बनेगा यहाँ पे। ये सब देखो, इस देखो मैं यहाँ ऊपर तरफ मतलब नहीं आई थी, और नीचे हम लोग रहते हैं, और ऊपर में, ऊपर में गाइस देखो ये, यहाँ पे एक घर बनेगा, यहाँ पे भी किसी का जगह है, यहाँ पे एक घर बनेगा और उधर भी घर बनेगा, और नीचे यहाँ दूसरा मतलब अलग अलग आदमी का, फिर यहाँ पे कि किसी और का घर बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो हाँ मेरा रुको मैं दिखा देती हूँ जगह, वो जो कपड़ा टांगा हुआ है वहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में हम लोग का देखो इधर ऐसे आते आने के बाद इधर ये वाला जो जगह दिख रहा है आपको, वो जो पेड़ नहीं दिख रहा, एक बड़ा सा पेड़, वो पेड़ से, ये पेड़ से यहाँ तक, यहाँ, और ये जो बांस है, बांस है इधर से ये रास्ता तक, ये इतना तक। तो गाइस यहाँ पे एक घर बनाने मतलब घर बनाने के लिए एक छोटा सा जगह हम लोग लिए थे यहाँ पे छोटा सा घर बनाने के लिए, लेकिन घर बनाने के लिए तो पैसा, मैं इधर कभी नहीं आती हूँ, मैं यहाँ जब से आई हूँ 3 महीना हो गया मेरा घर मतलब वहाँ से यहाँ आई, तो जब वहाँ पे रहते थे काम करते थे ना वहाँ पे घर में, और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि कितना भाड़ा में रहेंगे और दूसरों के घर में काम कर कितना दिन करके रहेंगे, तो छोट कहीं पे चलो, तो यहाँ पे बस्ती में ये जगह हम लोग छोटा सा ले लिए थे, और ले लिए थे, देखते हैं बाद में घर बनाएंगे ऐसे सोच के। तो गाइस यहाँ पे घर तो बनेगा, लेकिन उधर रास्ता जाने का थोड़ा अच्छा नहीं है गली, यहाँ पे पानी टंकी, ये देखो रास्ता ऐसे है पूरा, कितना कचरा गली पूरा, यहाँ पे पानी आता है, ये रास्ता पूरा गंदा देखो ऐसे, इतना छोटा सा गली, इधर से जाना पड़ता है, तो और यहाँ पे ये जो रोड दिख रहा है रोड के इस पार हम लोग का, और इधर जो है ये किसी और फिर इधर में
इधर हम लोग का, फिर इधर और किसी और का, ऐसे मतलब रुमकू झुमा घर बनेगा। तो गाइस देखा, यही मैं दिखाने के लिए आई थी आप सबको। लेकिन देखो यहाँ घर बनाने से कोई अच्छा है, शांति जगह तो शांति तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे खाली एक ही घर है तो चारों तरफ शांति अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे घर बनेगा तो यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, चारों तरफ खाली घर घर, बीच में रास्ता, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम लोग मतलब रहने के बारे में मैं सोच रही हूँ, लेकिन उधर का जो रास्ता आप लोग देखे, वो गली वाला जो रास्ता, वो रास्ता ठीक नहीं है। अंधेरा, लाइट भी नहीं है यहाँ पे ऊपर में, और अंधेरा, और इतना छोटा सा गली, फिर यहाँ पानी, बारिश के मौसम में तो पूरा गंदा रहता है वो जगह, तो कैसे आना जाना होगा उधर से, आप लोग ही सोचिए दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे रह रहते हैं। तो चलो अंधेरा हो गया, अंधेरा तो 5 बज गया, मतलब अंधेरा हो जाता है गाइस शाम को। तो यहाँ पे भी कोई घर बना रहा है, यहाँ पूरा उतना लंबा था, वहाँ से उतना दूर तक घर बनाएगा, मतलब वहाँ से यहाँ इतना दूर तक। तो ऐसे ही, तो चलो चलते हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया। और यहाँ पे भी घर बनेगा, सब तरफ घर बनेगा, लेकिन कब बनेगा, और उसके बाद फिर करेंट उरेंट आ जाएगा। इधर पानी का तो सुविधा सब है, कौन आया, लेकिन बात है कि करंट नहीं है, और उधर का रास्ता जाने वाला अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रास्ता सब कुछ ठीक है, यहीं पे घर बनाने से अच्छा होता यहाँ पे वो वाला जगह को बेच बूचा के यहाँ पे, लेकिन मेरे को वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बस खाली थोड़ा सा वो गली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वो गली अगर बन जाता रास्ता ना, तो वहाँ पे भी रहने का ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। तो गाइस ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही तंबू गाड़ के, ऐसे ऐसे ही एक तंबू गाड़ के घर वहाँ पे रहने रहेंगे, और धीरे धीरे करके घर बनाएंगे। इतना ऐसे तंबू बांस का, और बांस और ऐसे तिरपाल, और हाँ तिरपाल उरपाल लगा के, बांस उंस लगा के कहीं, क्योंकि अभी तो घर बनाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो ऐसे ही एक तंबू का घर बना के वहाँ पे रहेंगे, जगह को सफ़ा करेंगे। और उसके बाद क्योंकि 2000 घर भाड़ा भी तो इतना, मतलब वो 2000 तो कम से कम बच जाएगा, यही सोच रहे हैं दोस्तों। और उसी पैसा को रख के फिर घर बनाएंगे, अपना घर अपना होता है जो होने से भी। देखो तंबू का घर तो ऐसे भी कुछ नहीं दिखाई जा रहा, पकड़ो ला, और जल्दी आना, ए रास्ता देखी देखी जा, इठी गेम खेली खेली बात चक्कर रे, अरे नाम ऐड कर रहे यार, किसका नाम ऐड कर रहे, लालो पे लोगो किसका नाम है ये, वो अभी जो फोन करते नहीं रहता, ओ गोरा, उसका भाई है वो, बड़ा है ना छोटा है, हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये छोटा है, ये जो आ रहा है, और उसका बड़ा भाई है, उठो जा जा जा, मैं उधर गई थी, उधर का रास्ता सब देखने, पूरा कचड़ा गंदा, इधर भी चारों तरफ खाली गंदा है। ठीक है जल्दी आना, है जल्दी आना, तो गाइस अभी रात 8 बज रहा है, रात का 8 बज गया, और बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है बाहर, और बाहर जाने का मन भी नहीं हो रहा है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, तो बहुत ठंड है दोस्तों। और मैं अभी आज मैं तो रात को कभी खाना वाना नहीं बनाती हूँ, कभी कभी और बनाती हूँ, और भात बच जा, मतलब जो दिन में बनाती हूँ 12 बजे, उसी को गर्म करके खा लेते हैं रात को। तो अभी, और ये देखो आके मोबाइल पे
और मैं ठंडा में कहीं जाने तो ऐसे बैठे बैठे ना सो गई थी दोस्तों। और अभी उठ के फिर पटल का थोड़ा सब्जी बनाऊंगी, भुजिया बनाऊंगी। तो गाइज आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे रखती हूँ और फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अगर अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और मेरा वीडियो कोई अगर नया देख रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।